देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भारतीय फन ये सिपाही एसोसिएशन का एक प्रोग्राम किया जिसमें वाराणसी खेल अखाड़ा इकबाल अहमद खलीफा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद को उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी वसीम अहमद ने साफा उड़ाकर सम्मानित किया। वजरडीहा में मुहर्रम के मौके पर भारतीय फन ये सिपाही प्रोग्राम किया गया जिसमें वाराणसी खेल के खिलाड़ी जनाब इकबाल अहमद खलीफा के शागिर्दों ने एक से एक बढ़कर हैरत अंगेज कला प्रदर्शन किया, जिसमें वाराणसी खेल के अध्यक्ष जनाब इकबाल अहमद खलीफा ने कहा, इस तरह के खेल को बनाने के लिए खिलाड़ी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी वसीम अहमद ने कहा, इस खेल को बढ़ावा दिया जाए ताकि खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका मिले। जिस तरह से भाला कबड्डी खो खो कुश्ती जैसे खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, उसी तरह इस भारतीय फन ये सिपाही एसोसिएशन खेल रहे खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इस मौके पर खिलाड़ी इम्तियाज अहमद गामा वसीम अहमद मोहम्मद मोहसिम आदि लोग उपस्थित रहे। क्वालिटी वही हम कहते हैं खाली उसे तरह से चलावत रहे डी एस एल आर पर।